मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि मॉडर्न वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग हर एक को आनी चाहिए। एक वक्त था 10 साल पहले, 20 साल पहले, जब प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस वालों का काम था, लेकिन आज लिंग्विस्टिक्स पे काम कर रहे हो, फिजिक्स में काम कर रहे हो, हिस्ट्री में काम कर रहे हो, बिजनेस में काम कर रहे हो, लोगों को थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है हर स्कॉलर को। अब लिंग्विस्टिक्स में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छी खासी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और वो अपना कोड लिख रहे होते हैं। पाकिस्तान में कम है, लेकिन पाकिस्तान में भी 8-10 लोग ऐसे मौजूद होंगे या जो कम से कम मेरे कॉन्टेक्ट में है, और इंटरनेशनली तो शायद हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग सीखता है। तो आइडिया सिर्फ ये था कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग का डर निकाल दिया जाए, यानी आधे घंटे में या 1 घंटे में सिर्फ ये है कि डर निकाला जा सकता है और आपको वो रिसोर्स प्रोवाइड कर दिए जाएं जिसके जरिए आप फर्दर चीजें लर्न कर सकते हैं। तो रिसोर्सेस की बात सबसे पहले, ये 3 लिंक्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। आवर ऑफ कोड, आवर ऑफ कोड ये होता है कि 1 घंटे में आपको प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाएं और कोई कोड, आवर ऑफ कोड लर्न कर लें। अच्छा, प्रोग्रामिंग के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट है कि लॉजिक, प्रोग्राम बनाते किस तरह से। प्रोग्राम में सीक्वेंस होता है कि आप स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। उसके बाद सिलेक्शन होती है कि आप चॉइस करते हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो आपको ये एक्शन परफॉर्म करना है, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स तो आपको ये कंडीशन एक्शन परफॉर्म करना है, तो ये सिलेक्शन होती है। और तीसरी चीज होती है आइट्रेशन, कि आपने ये जो 3 चीजें डिफाइन की हैं कि आपको स्टेप 1 करना है, स्टेप 2 और स्टेप 3, ये चीजें आपको 100 दफा रिपीट करनी है या 500 दफा रिपीट करनी है, या ये कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं हो जाती ये कंडीशन रिपीट करनी होती है। तो ये लॉजिक है। ये लॉजिक समझने के लिए आपको किसी लैंग्वेज का, कि सी में प्रोग्राम करें, पाइथन में प्रोग्राम करें, जावा में प्रोग्राम करें, आर में प्रोग्राम करें, उसकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ लॉजिक समझनी है। तो ये टूल्स ऐसे हैं और ज्यादातर बहुत बच्चों के लिए बनाए गए हैं, तो उनमें कार्टून ज्यादा होते हैं, लेकिन इससे आपको कोडिंग का लॉजिक समझ में आ जाती है। जिस तरह से लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं लेकिन उन्हें दिन में रनिंग करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, और जिम में जाके एक्सरसाइज करनी होती है। हो सकता है कोई हॉकी का प्लेयर हो, हॉकी खेलने में एक्सरसाइज, जिम में जाके एक्सरसाइज करने का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, या रनिंग करने का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतने अच्छे स्पोर्ट्समैन बनेंगे। इसी तरह से जितनी ज्यादा लॉजिक की एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा सिंटेक्स समझ में आएगा, उतना ज्यादा लैंग्वेज प्रोसेसिंग का सिंटेक्स समझ में आएगा। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये चीजें, जिसका हो सकता है आपको अपने फील्ड से डायरेक्टली कोई रिलेशन नजर ना आए, फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेटर है वो पुशअप्स कर रहा है तो उसे कोई फायदा नहीं समझ में आएगा वो पुशअप्स क्यों कर रहा है, या वो रोजाना 4 किलोमीटर की रनिंग कर रहा है तो उसे कोई समझ में नहीं आएगा कि इसका क्रिकेट में क्या फायदा होगा, लेकिन उससे स्टेमिना बनता है, उससे उसके मसल्स की एक्सरसाइज होती है, तो इसी से इस ब्रेन की एक्सरसाइज होती है जो प्रोग्रामिंग करना आसान होता है। तो ये 3 चीजें हैं जिससे आप अपने ब्रेन मसल्स प्रोग्रामिंग के लिए डील स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग नए आए हैं वो चैट विंडो में देख लें, मैंने कुछ चीजें पेस्ट कॉपी पेस्ट की हैं, वहां से आप लोग जाके उसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। मैं एक दफा, पता नहीं नए चैट विंडो, नए आने वालों को चैट विंडो मिल रही है या नहीं मिल रही, तो मैं एक दफा और कॉपी पेस्ट कर दूं। चैट विंडो में मैं एक दफा और कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। टेंट हेयर वाइस, अच्छा, अब सब लोगों के साथ ये मसला है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो रही है शेयर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है। अच्छा, कुछ लोगों ने चैट पे भेजा है कि नहीं हो रही, तो वो उनका पर्सनल मसला होगा। अच्छा जी, मैंने अपनी वीडियो ऑफ की हुई थी, अब मैं ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए एक और आसानी हो गई है कि प्रोग्रामिंग के लिए आपको कुछ चीज इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। आप colab.research.google.com पे जाएं और यहाँ पे जाके अपनी फाइल अपलोड कर दें, या नई फाइल बनानी है तो नई फाइल बना लें। अच्छा, अब जो फाइलिंग,
तो colabresearch.com पे हम गए और ये वही चीज उसी की एक नोटबुक बनी हुई है। दूसरा यह है कि प्रोग्रामिंग बताते वक्त पहले जिन्होंने अगर प्रोग्रामिंग करने की कोशिश की हो सी में या जावा में, तो एक जगह होती है जिसपे आप लोग प्रोग्राम लिखते हैं, दूसरी जगह यानी एक फाइल होती है जिसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं और उसका रिजल्ट मिलता है। डॉक्यूमेंटेशन आप नॉर्मली वर्ड फाइल या किसी और जगह पे लिखते हैं। नोटबुक एक ऐसा तरीका है प्रोग्रामिंग करने का जिसमें आप प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन भी लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर वैल्यूज, आपको वैल्यूज कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ती हैं। इन वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स यूज करते हैं। मुझे 10 वर्ड्स मैंने रीड किए, उन 10 वर्ड्स को वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, वर्ड 5, उनको हम वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल्स एक मेमोरी लोकेशन होती है, कंप्यूटर के पास जगह होती है जहां पर वो आप जो इनपुट उसे दे रहे होते हैं वो जाके सेव कर लेता है और उसके नाम से हम एक्सेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से मैथ्स में वेरिएबल होते हैं। तो एक वेरिएबल हमने बनाया num, num num, और उस num वेरिएबल को एक सेकेंड, इस num वेरिएबल को अगर आप ये देखें तो इस num वेरिएबल को में हमने वैल्यू 10 असाइन कर दी। उसके बाद हमने जाकर इस वैल्यू इसको प्रिंट करवा दिया। प्रिंट इज अ फंक्शन, फंक्शन को हम कोई वैल्यू परफॉर्म कर देते हैं जो जिसे आर्गुमेंट पास करना होता है, और आर्गुमेंट पास करने के हिसाब से या तो वो कोई चीज एग्जीक्यूट कर देगा, उसके पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं वो एग्जीक्यूट कर देगा, या वो कोई चीज रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एवरेज का फंक्शन कॉल किया, उसे 5 नंबर दिए, तो उन 5 नंबरों को पहले वो सम करेगा, फिर उनके काउंट यानी 5 से डिवाइड करेगा और रिजल्ट आपको रिटर्न कर देगा। तो ये प्रिंट फंक्शन है जिसे हमने num वेरिएबल पास किया, उसने रिटर्न कर दिया। प्रोग्रामिंग में फिर आपको करना ये पड़ता है हम कि आपने ये कोड लिखा और उसको एग्जीक्यूट किया। तो num इज इक्वल टू 10 मैंने टाइप किया, फिर प्रिंट num टाइप किया और उसे एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने पे मुझे ये 10 रिजल्ट नजर आ गया यहाँ पर। इस वक्त मैंने ऑनलाइन बाज दफा अक्सर ये होता है, जैसे इस दफा नेट स्लो चल रहा है इसलिए मैंने पहले से चीजें लिख के रखी हुई हैं, वरना अभी भी हम ये कर सकते हैं प्रिंट 4+3। मैंने ये किया तो ये मुझे इसका रिजल्ट 4+3 का रिजल्ट मिल जाएगा 7। या मैंने ये लिखा कि num इज a इज इक्वल टू 5, 6 और प्रिंट a+6। तो a वेरिएबल a में वैल्यू 6 असाइन की और a+3 किया को प्रिंट कर दिया, तो ये 6+3 इसे 9 प्रिंट करना चाहिए। तो आप यहां पर कोड लिखकर एग्जीक्यूट करके फौरन ही रिजल्ट देख सकते हैं। तो कोड टेक्स्ट बॉक्सेस जो है वहां पे आप टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, ये जो कोड बॉक्स है उसमें हमने कोड लिखा और कोड को एग्जीक्यूट किया तो फौरन उसका रिजल्ट मिल गया। नॉर्मली इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा होता है या बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैंने कोड पहले से लिख के रखा हुआ है, लेकिन इसे हम 1 by 1 एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो एक वेरिएबल num हमने डिफाइन किया, उसमें वैल्यू 10 रखी और उसे प्रिंट कर दिया। उसके बाद जो दूसरी चीज है, एक और एग्जाम्पल देख लें, वेरिएबल num ही में हमने वैल्यू 5 रख दी। अब हम जब प्रिंट num करेंगे तो 5 प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि num की वैल्यू अब 5 है। फिर हम ये है कि मल्टीपल वेरिएबल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक वेरिएबल का नाम है num1 और दूसरे वेरिएबल का नाम है num2। num1 में वैल्यू 10 है और num2 में वैल्यू 5 है। तो num1 और फिर प्रिंट करवा दिया, प्रिंट में हम मल्टीपल चीजें प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट num1 पहला नंबर प्रिंट कर दिया, 10 आ गया, और num2 दूसरा नंबर प्रिंट हो रहा है, 5 आ गया। तो हमारे पास दोनों चीजें प्रिंट हो गई। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। जस्ट तो यहां तक
सिंपल एक्सप्लेनेशन. अच्छा, मैंने जो भी भेजा था उस पे ये लिख दिया था कि जिन लोगों को प्रोग्रामिंग आती है उनके लिए ये जाहिर है बहुत ही सिंपल चीज है. तो ये आज सिर्फ लास्ट के अलावा, जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसके अलावा, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ना जो प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं उनके लिए है. तो हमने ये लिख दिया. अच्छा, मजीद अगर हम कुछ करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन नंबर्स को, हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनको ऐड करना चाहते हैं. अब हम इन्हें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐड करने के लिए प्रिंट नम प्लस नम टू, नम प्लस नम टू का ऐड किया और इसको प्रिंट करवाया तो रिजल्ट 15 आ गया. नम वन माइनस नम टू, नम वन क्या है 10, नम टू क्या है 5. 10 में से 5 माइनस किया, रिजल्ट 5 आया, वो रिजल्ट 5 प्रिंट हो गया. नम वन को नम टू से मल्टीप्लाई किया. अच्छा, प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लाई को स्टार साइन से शो करते हैं क्योंकि एक्स जो है ना नॉर्मल करेक्टर है, ए बी सी डी का जो एक्स होता है. तो नम वन को मल्टीप्लाई किया नम टू से, 5 और 10 मल्टीप्लाई हुए, रिजल्ट 50 आया. तो हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कर सकते हैं और आप जो करना चाहें, नम वन डिवाइडेड बाय नम टू एंड सो ऑन, हम ये सारे काम कर सकते हैं बड़े आराम से. तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूँ कि हम कोड लिख रहे हैं, वेरिएबल्स हमारे पास हैं, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं और फिर वेरिएबल्स पे ऑपरेशंस कर सकते हैं. तो तीन चीज़ें हैं, वेरिएबल्स जिनको में हम वैल्यू असाइन करते हैं, फंक्शंस जो कोई फंक्शन एक्शंस प्रोवाइड करते हैं और ये वैल्यूज रिटर्न भी कर सकते हैं. अभी वैल्यू रिटर्न नहीं हुई, जैसे हम एवरेज का फंक्शन बना सकते हैं जिसे जो नंबर्स देंगे उनका वो एवरेज निकाल कर उसका रिजल्ट दे देगा. तो फंक्शन एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं और फंक्शन एक्शन परफॉर्म करके वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो आगे चलें. आगे चलते हैं, फंक्शंस हमने बना लिए और इसमें आपको अगर कुछ लिखना हो तो यहां पर आए, ऊपर ये प्लस कोड लिखा हुआ है, प्लस कोड लिखा, जो फंक्शन लिखना चाहे लिख लें. फॉर एग्जाम्पल प्रिंट नम टू, खाली मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ नम टू मल्टीप्लाई बाय 4. तो नंबर टू, जो नंबर टू है उसे 4 से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट क्या हो गया? नम टू इज नॉट डिफाइंड. अच्छा, ओके. क्योंकि मैंने ये कोड अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं करवाया. नॉट डिफाइंड क्यों आया, ये भी अच्छा सवाल है. क्योंकि ये मैंने कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करवाया था, ये तो अभी पुराना चला हुआ रखा हुआ था, इसलिए ये है. अभी ये मैंने एग्जीक्यूट करवाया, तो हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर तो होना चाहिए ना. उस वक्त मैंने कहा था कि मैं इस वक्त ऑनलाइन सिस्टम को रन नहीं करना चाहता क्योंकि इंटरनेट में अक्सर मसले हो जाते हैं, तो मैंने पहले से चीज़ें रन की भी रखी हुई थी, इसीलिए वो नम टू को पहचानता नहीं था. अब मैंने इसको रन कर दिया है तो अब उसे पता है कि नम टू क्या है. अब नम टू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 20 आ गया. 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 20. अच्छा, अब हम ये यहाँ पे आपने देखा ये 15, 5 और 20 ये तो लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन ये 15 क्या है, 5 क्या है, 50 क्या है? हमें कोई मैसेज होना चाहिए था कि द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज 15, द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर, द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर इज 5, द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर इज 50. तो हमारे पास कुछ ना कुछ मैसेज टेक्स्ट की फॉर्म में होना चाहिए था. तो टेक्स्ट की फॉर्म में आप टेक्स्ट भी लिखवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई मैसेज आप, अच्छा, जब भी आपको टेक्स्ट लिखवाना होगा तो आप उसे डबल कोट के अंदर लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये आपने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, तो हेलो वर्ल्ड आपने लिखा तो अब ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया. नॉर्मली जब भी लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं तो पहला लाइन ये एग्जीक्यूट करवाई जाती है. आपको अगर कुछ और लिखवाना है, अगर आपको हाई प्रिंट करवाना है तो एच आई आपने हाई लिखेंगे तो वो हाई प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपने लिखा द नंबर्स आर नम वन एंड नम टू, तो द नंबर्स आर प्रिंट करेगा, ये द नंबर्स आर आ गया. और उसके बाद वेरिएबल नम वन की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई, वेरिएबल नम टू की वैल्यू वो प्रिंट हो गई.
देयर सम इज प्रिंट किया, जो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है या जो सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, जो डबल कोट और सिंगल कोट के बगैर है वो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट होगी। तो देयर सम इज नंबर वन प्लस नंबर टू, तो देयर सम इज 15, नंबर वन और नंबर टू को ऐड किया 15, बिल्कुल वैसे जैसे पीछे था। देयर डिफरेंस इज डबल कोट में लिखा तो ये एज इट इज प्रिंट हो गया, और नम वन माइनस नम टू लिखा तो ये उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे प्रिंट हो गया। देयर प्रोडक्ट इज और इन दोनों का मल्टीप्लीकेटिव प्रोडक्ट हो गया। तो आप मैसेजेस कमेंट्स मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी कोई टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हैं और उस टेक्स्ट के साथ वेरिएबल भी प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट को स्ट्रिंग कहते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो ये याद रखिएगा कि अक्सर जगह पे आपको वर्ड स्ट्रिंग लिखा हुआ मिलेगा जो नॉन प्रोग्रामर के लिए बड़ी अजीब सी बात होती है, लेकिन स्ट्रिंग का मतलब टेक्स्ट है कि ये एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब आपके पास आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, वेरिएबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, उनके रिजल्ट्स प्रिंट कर लिए, एक साथ आपने टेक्स्ट और वेरिएबल्स दोनों प्रिंट कर लिए। अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स चीजों पर आ जाते हैं कि और कॉम्प्लेक्स काम क्या हो सकता है। अच्छा, मजीद कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए यहां तक मैं दोबारा देख लूं चैट में, ऑल क्लियर? एक आध कोई कह दे कि सब कुछ क्लियर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। ताकि इस फील्ड में अक्सर ये होता है कि कोई ना कोई मसला होता है, मेरी आवाज ही नहीं जा रही, मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही, मेरा कनेक्शन में मसला हो गया, तो थोड़े 5-10 मिनट बाद कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट दे दिया करे कि सिस्टम चल रहा है। इट्स ओके सर, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है। अच्छा, अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स चीजों पे आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स चीज ये है कि पहली, अब आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, लेकिन अगर क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स लिखने हैं और आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो ये तो नहीं होगा ना कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट टू दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट थ्री तीसरा वेरिएबल क्रिएट किया, तो आपने 40 क्रिएट कर लिए। कोई यूनिवर्सिटी मेंटेन कर रही है अपने स्टूडेंट्स और उनके पास 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट टू 2000 वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करेगी। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें हम यूज कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में से एक चीज है लिस्ट। तो हम यहाँ पे लिस्ट यूज करना सीख रहे हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग सीखने के एक दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप बहुत ज्यादा उसकी बैकग्राउंड नॉलेज पढ़ें, और अगर टाइम हो तो बिल्कुल वो पढ़ें और उसके बाद आप प्रोग्राम करना सीखें। जब यूनिवर्सिटी में नॉर्मल क्लासेस में पढ़ाया जाता है तो यही होता है कि पहले वेरिएबल्स बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा दी, फिर डेटा स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा दी और फिर सब कुछ आ गया। यहाँ पर जो आवर ऑफ कोड जो मैंने पहले लिंक में दिया है, उसकी स्ट्रेटेजी यह है कि आप चीजें यूज करना सीखें, जैसे आप यूज करते जाएंगे वो आपको यूज टू होते जाएंगे, और बाद में आप एडवांस टॉपिक्स सीख लें कि इसका मकसद क्या होता था। तो लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट को डिफाइन करने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स डिफाइन होने चाहिए, लेकिन आप सिर्फ लिस्ट को यूज करना सीखें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है वो एक पूरा कंप्यूटर साइंस में कोर्स होता है, लेकिन उसकी जितनी रेलेवेंट चीजें हैं हम यूज करेंगे तो हमें वो यूज करना आ जाएंगी। तो हमने एक लिस्ट बना ली, नम लिस्ट, यानी नंबर ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ नंबर्स, और उसमें 3 नंबर्स रख दिए, 2, 5, 10। आप चाहें तो इसमें कॉमा लगा के 5, 10, 25, 100, 5000 जितने चाहें नंबर्स लिखना चाहते हैं। तो क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के अगर आपको मार्क्स लिखने हैं तो आप मार्क्स की एक लिस्ट बना लें इक्वल टू, और इन दो स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान में आप वो नंबर्स कॉमा सेपरेटेड नंबर्स लिख लें कि पहले के 78 आए, दूसरे के 48 आए, एंड सो ऑन, 78, 48, 98, 45, 87, एंड सो ऑन। तो आपने नंबर लिस्ट बना दी, फिर उस नंबर लिस्ट को हमने प्रिंट किया। जब प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने ये आ गई कि 2, 5, 10, ये हमारे पास नंबर लिस्ट मौजूद है। अच्छा, इसके हर लिस्ट के हर एलिमेंट को, जिसे नॉर्मली पाइथन प्रोग्रामिंग में आइटम कहते हैं, उसको हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर इज नम लिस्ट,
और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने वन लिखा तो हम समझ रहे हैं कि इसका पहला नंबर या पहला आइटम या पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। सेकंड नंबर नम लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने टू लिखा तो हमारा ख्याल ये है कि इसका दूसरा आइटम, दूसरा एलिमेंट या दूसरा मेंबर प्रिंट हो जाएगा। तो पहला टू है, दूसरा फाइव है और तीसरा टेन है। तो इसने प्रिंट तो कुछ किया लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ की कि फर्स्ट नंबर में उसने फाइव प्रिंट किया जो सेकंड वन है और सेकंड नंबर में उसने टेन प्रिंट किया जो थर्ड है। यानी जब हमने नम लिस्ट वन प्रिंट करवाया तो उसने सेकंड वाला जब उसने नम लिस्ट वन प्रिंट करवाया तो सेकंड वाला प्रिंट हुआ और जब उसने नम लिस्ट टू प्रिंट करवाया तो थर्ड वाला प्रिंट हुआ। इसकी एक वजह है, वजह यह है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में गिनती वन से स्टार्ट नहीं होती, गिनती जीरो से स्टार्ट होती है। लिस्ट में इन चीजों को इंडेक्स कहते हैं कि इंडेक्स वन पर टू है, इंडेक्स टू पर फाइव है और इंडेक्स थ्री पर टेन है। लेकिन इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, यानी टू का इंडेक्स जीरो है, वन फाइव का इंडेक्स वन है और टेन का इंडेक्स टू है। तो अगेन दोबारा से द लिस्ट इज नम लिस्ट, फर्स्ट नंबर इज नम लिस्ट जीरो। तो पहले नंबर के लिए आपको जीरो चाहिए, दूसरे नंबर के लिए आपको नम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में वन और तीसरे नंबर के लिए नम लिस्ट टू। अगर इस लिस्ट में 100 एलिमेंट्स होते और आपको 50th एलिमेंट चाहिए होता तो आप नम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर 49 लिखते, यानी एक इंडेक्स से कम। तो अब हमने जब ये एग्जीक्यूट करवाया तो ये हमारे पास ये सही लिस्ट आ गई। अच्छा, तो हमारे पास ये लिस्ट आ गई, 2, 5, 10 और 2, 5 और 10 हमारे पास आ गया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों को हमें सम करवाना है तो आप सोच सकते हैं कि इसका कोड क्या होगा। अगर आपके सामने कोई पेंसिल पेपर रखा हुआ है या नोटपैड पे जाकर आप प्रिंट करवा सकते हैं कि तीनों का सम क्या होगा। लिस्ट के तीन एलिमेंट है 2, 5, 10, इनका सम जो है वो 17 आएगा। तो वो 17 हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैं इसके साथ साथ एक और काम कर लेता हूँ, इतनी देर तक आप ये सोचें कि तीनों का सम क्या हो सकता है। दूसरी बात यह कि जूम में 40 मिनट की रिस्ट्रिक्शन होती है तो 40 मिनट के बाद एक और सेशन हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक और क्रिएट करता हूँ और वो आप लोगों को लिंक इसी वक्त भेज देता हूँ। तो शेड्यूल एक और, इतने इस दौरान मैं एक शेड्यूल मीटिंग कर देता हूँ। फीडबैक CLPL2 और इसका लिंक पासवर्ड ABCB हो गया। और चश्मे के बगैर जो 3:45 से स्टार्ट होगी ABCDEF है। तो जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो हम दोबारा से इस पर आकर ये मैंने अभी जो भेजा है ये से आप कॉपी पेस्ट कर लें। अच्छा, क्या ये आपने बताया है अलमास के ऐसा हो सकता है कि सेम आईडी पासवर्ड से हो सकता है, ये पूछा है? तो मैंने कभी नहीं किया, मैं पहली दफा ही कर रहा हूं। तो बेहतर यह है, मैंने एक और जूम मीटिंग क्रिएट कर ली है जो 45 पे स्टार्ट होगी। और अच्छा ओके सही है, तो फिर वरना फिर हम इसी को दोबारा से कर लें, मैं रिज्यूम करने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट चीज मैंने आपसे कहा था कि आप लोग प्रिंट करने की कोशिश कीजिए।
तो इसका कोड जो सिंपल सा लिखना है सम ऑफ, अच्छा एक चीज कहलाती है कि आप इसे कितना खूबसूरत लिख सकते हैं। इसका कम से कम आंसर जो था ना वो ये है कि प्रिंट, कम से कम आंसर ये है कि आप प्रिंट नम लिस्ट जीरो प्लस नम लिस्ट वन प्लस नम लिस्ट टू, इन तीनों को प्रिंट के सम को प्रिंट करवा दें तो ये आंसर 17 आ गया। फिर ये है कि आपको आंसर लोगों को ज़ाहिर डिस्प्ले करना है या खुद भी समझना है, तो सम ऑफ लिखा तो उसने सम ऑफ प्रिंट कर दिया, फिर नम लिस्ट बताई तो उसने जो हमारी लिस्ट है वो भी बता दी, इज प्रिंट करवाया डबल कोट के अंदर तो इज एट इज एज इट इज प्रिंट हो गया, और उसके बाद नम लिस्ट जीरो वन टू इसको ऐड कर दिया तो एडिशन करके 17 हो गया। तो जल्दी में काम करना है तो आप इस तरह से बस आपने 012 को प्रिंट करवाया और ये कर दिया, खूबसूरत सा लगे पढ़ने वाले के समझ में आए तो आपको ये फिर उसके साथ टेक्स्ट भी प्रिंट करवाना चाहिए उसूली तौर पे, या दो दिन बाद आप खुद ही देखें या दो हफ्ते बाद आप खुद ही देखें तो ये बात समझ में आ जाए। अच्छा इसमें टेक्स्ट लिखने की फैसिलिटी उन्होंने रखी इसीलिए कि प्रोग्राम लिखते हैं और कुछ दिन बाद समझ में नहीं आता कि ये क्यों लिखा है, यहाँ पे आप कोड के साथ साथ अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं कि ये मैंने कोड इसलिए लिखा था, तो ये बात हो गई। अच्छा जी 35, अच्छा लेकिन अभी आपने ये तीन चीजें तो ऐड कर ली, अगर ये 300 होते 3000 होते तो फिर हम क्या करते, नम लिस्ट जीरो नम लिस्ट वन नम लिस्ट टू नम लिस्ट थ्री फोर 3000 तो नहीं लिखते ना, हमें ये एडिशन का एक्शन बार बार परफॉर्म करना है, रिपीट करना है, तो रिपीटेशन या आइट्रेशन के लिए एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर है, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है फॉर। प्रोग्रामिंग में तीन चीजें फंडामेंटल हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में, सीक्वेंस यानी स्टेप बाय स्टेप चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं, हमने स्टेप नंबर वन एग्जीक्यूट किया फिर स्टेप नंबर टू एग्जीक्यूट किया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप नंबर वन में द लिस्ट इज, ये पहले स्टेप नंबर वन एग्जीक्यूट हो गया, फर्स्ट नंबर दूसरा स्टेप एग्जीक्यूट हो गया, सेकंड नंबर तीसरा स्टेप एग्जीक्यूट हो गया, तो स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जीक्यूशन करवानी है। सेकंड चीज है आइट्रेशन कि आप इस काम को कि ये जो स्टेप्स एग्जीक्यूट करवा रहे हैं इससे रिपीट करवा सकते हैं, आपने एक एक्शन परफॉर्म करवाया कि प्रिंट फाइव और फिर आपने कह दिया कि प्रिंट फाइव को 5000 दफा रिपीट करो तो वो स्क्रीन पर 5000 दफा 5 प्रिंट करवा देगा, तो दूसरी चीज है रिपीटेशन, और तीसरी चीज आ जाएगी सिलेक्शन कि आप कंडीशन की बेस पे फैसला करें कि इफ ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये काम करेंगे और इफ ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये काम करेंगे। तो अभी तो हम रिपीटेशन पे जा रहे हैं कि हमारे पास अगर 3000 वर्ड्स की नंबर्स की लिस्ट होती और उन्हें हम ऐड करना पड़ता तो हम वन बाय वन सबके को प्लस नहीं लिख रहे होते, यानी प्लस नम फोर प्लस नम फाइव प्लस नम सिक्स प्लस नम सेवन नहीं कर रहे होते, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं फॉर का कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर फाइनल में प्रिंट नम लिस्ट हमारे पास मौजूद है फॉर नम लिस्ट। अच्छा जिन्होंने थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग कभी की है तो फॉर लूप पाइथन का बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है दूसरी लैंग्वेजेस से, स्पेशली सी और जावा जैसी लैंग्वेजेस से। इसमें हम एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं और उस लिस्ट का एक एक एलिमेंट वन बाय वन हम डील करते रहते हैं, जैसे नम लिस्ट है जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स है 2, 5, 10। अब फॉर के बाद जो चीज लिखी हुई है वो बार बार रिपीट होगी, कितने बार रिपीट होगी, पहली दफा ये जो लिस्ट है उसका पहला एलिमेंट होगा वो नम के अंदर आ जाएगा, फिर ये चीजें रिपीट होंगी लिस्ट का दूसरा एलिमेंट नम के अंदर आ जाएगा, फिर रिपीटेशन होगी नम लिस्ट का तीसरा एलिमेंट नम के अंदर आ जाएगा, तो ये चीजें बार बार रिपीट होंगी, तो नम
तो पहली दफा जब रिपीटेशन होगी नम के अंदर लिस्ट का पहला एलिमेंट आ जाएगा यानी टू, और उसने प्रिंट टू करवा दिया आपके सामने, ये टू प्रिंट हो गया। उसके बाद यानी पहली लाइन एक आप समझे एक दफा दोबारा से एग्जीक्यूट होना शुरू हुई, दोबारा से एग्जीक्यूट होना शुरू होने पे वो इसका दूसरा एलिमेंट अब num नम में आ गया। वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी रह सकते हैं, ए रह सकते हैं, बी रह सकते हैं, एक्स रह सकते हैं, कुछ भी रह सकते हैं। तो ये दूसरी वैल्यू उसके अंदर आ गई और फिर 5 प्रिंट हो गया। फिर इसी तरह से जब वो तीसरी दफा एग्जीक्यूट हुआ तो ये आखिरी वैल्यू नम के अंदर आ गई और प्रिंट नम, तो तीसरी दफा ये प्रिंट हो गया। तो नम में जब 2 वैल्यू थी तो 2 प्रिंट हो गया, दूसरी दफा उसमें 5 वैल्यू आई तो 5 प्रिंट हो गया, और तीसरी दफा उसमें 10 वैल्यू आई तो 10 प्रिंट हो गया। तो ये रिपीटेशन हमने 1 by 1 कर दी है। 40 मिनट्स होने वाले हैं, तो अब इसी को यूज करते हुए हमें एडिशन करना है। इसमें कोई क्वेश्चन अभी तक? सर प्लीज मेरा एक क्वेश्चन है जी, ये जो हम अभी डन कर रहे हैं तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर होगी हमारे प्रैक्टिकल? अच्छा, इसकी एप्लीकेशन इसकी एप्लीकेशन आपको मिलेगी जो लास्ट में बिल्कुल आ रहा है कि आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे ये करने के बाद मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखवाऊंगा, अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम काउंट कर रहे हैं कि वेरिएबल्स किसी भी वर्ड में कितने वॉवल्स मौजूद हैं। इसको फॉर एग्जांपल आप में से अगर कोई कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में काम कर रहा होता है तो वो और उसे ये काउंट करना होता है इसमें कितने वर्ड्स हैं आपके कॉर्पस में, आपके टेक्स्ट में कितने वर्ड्स हैं, इसमें कितने नाउन्स हैं, कितने एडजेक्टिव्स हैं, कितने प्रोनाउन्स हैं, कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो 4 करेक्टर वाले हैं, कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो 6 करेक्टर वाले हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग चाहिए होती है, क्योंकि नॉर्मल तरीका ये होता है कि आप टूल्स यूज कर रहे होते हैं, स्केच इंजन हो गया, ये अपना एंडकॉन्क है, KWIC है, और इस तरह के बहुत सारे टूल्स यूज कर रहे होते हैं, उनकी एक लिमिटेशन होती है। उनसे भी आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है इस तरह से जिसमें आपको सिर्फ लेंथ 5 वाले वर्ड्स चाहिए, या ऐसे वर्ड चाहिए जिसमें डबल ओ आ रहा हो। तो हो सकता है कि वो आप एंड कॉन्क में ना कर सकते हो, या लेंथ 5 वाले ऐसे वर्ड्स चाहिए जो जिसमें डबल ओ आ रहा हो, हो सकता है ये काम आप एंड कॉन्क में ना कर सकते हो। तो ये प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है तो वो काम इसमें आप आराम से बड़े आसानी से कर सकते हैं। आखिर में आकर हमारे पास मैं आपको एक लाइब्रेरी का एक फंक्शन कॉल करके दिखाऊंगा, और NLT के नेचुरल लैंग्वेज टूल किट का लिंक भेज दिया है, और स्पेसी का भी लिंक भेज दिया है। तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं जो आप डील कर सकते हैं, जो एंड कॉन्क में आमतौर पे इतनी आसानी से नहीं हो सकता। तो टूल्स अवेलेबल हैं, और रूल ये होता है कि अगर आपके पास एंड कॉन्क मौजूद है, स्केच इंजन मौजूद है, या इस तरह के कोई और चीज मौजूद है, तो पहली चीज है कि आप उसे इस्तेमाल कर लें। लेकिन उसकी लिमिटेशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने बनाई है कि कोई लिंग्विस्ट ये एनालाइज करना चाहता है कि उसके पास जो टेक्स्ट अवेलेबल है या इंग्लिश में कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें डबल ओ आता है और वो 5 करेक्टर वाले हैं। हो सकता है ये काम एंड कॉन्क में आसानी से ना हो सके, लेकिन यहाँ पर आपको 7-8 लाइन्स का कोड लिखना पड़ जाए। तो NLTK वाली बुक देखिएगा, तो उसको जब आप स्क्रॉल ही करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली हम आगे चले गए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर किसी कोई एक ऐसा ज्वाइन कर ले जिसके पास प्रीमियम एडिशन है, तो ये ऑटोमेटिकली मीटिंग 40 मिनट से ज्यादा चलती जाती है। यानी जिसके पास पेड सब्सक्रिप्शन है, तो हो सकता है किसी की यूनिवर्सिटी के पास हो और इस वजह से वो ज्वाइन कर लिया। तो अब हमारे पास अगला जो चैलेंज हम डील करेंगे वो ये होगा कि एक हम वर्ड इनपुट लेंगे और उसमें वॉवल्स कितने हैं वो हम काउंट करना है। उसके लिए अभी हम सीख ये रहे हैं कि एक किसी भी चीज को हम काउंट किस तरह कर सकते हैं यूजिंग लूप।
तो लूप एग्जीक्यूट करनी तो हमने सीख ली, अब हमें 2, 5 और 10 को ऐड करना है और इसका रिजल्ट 17 लेकर आना है। उसके लिए फिर हमने किया ये कि सम इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल हमने सम बनाया, वेरिएबल का नाम आपको जो दिल चाहे रख सकते हैं, आप इसका नाम ए रख सकते हैं, आप इसका नाम कराची रख सकते हैं, आप इसका नाम इस्लामाबाद रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए कि बाद में एक हफ्ते बाद हम इस कोड को देखें तो हमारे समझ में आ जाए इस वेरिएबल में क्या है। तो हमने सम रख दिया और यानी इसमें टोटल आ जाएगा और स्टार्ट इसकी वैल्यू हमने 0 रख दी। उसके बाद हमने नम लिस्ट में नम लिस्ट की लूप चलानी शुरू कर दी। तो नम लिस्ट की लूप हमने किस तरह से चलानी शुरू कर दी कि नम लिस्ट को एग्जीक्यूट करवाया और नम पहली दफा नम में वैल्यू 2 आएगी, तो सम में पहली दफा में 2 ऐड हुआ तो सम की वैल्यू 2 हो गई। फिर दूसरी दफा जब ये एग्जीक्यूट होगा तो नम में वैल्यू 5 आएगी, तो पहले सम की वैल्यू 2 हो चुकी थी, 2 + 5 = 7 हो गई, तो सम की वैल्यू दूसरी दफा 7 हो गई। तीसरी दफा सम की वैल्यू नम में एनयूएन नम में वैल्यू 10 आई, तो 7 सम की वैल्यू 7 नम की वैल्यू 10, 7 + 10 = 17 सम में 17 आ गई। ये फॉर की लूप 3 दफा आइट्रेट करेगी क्योंकि नम लिस्ट में 3 एलिमेंट थे, अगर नम लिस्ट में 250 एलिमेंट होते तो ये 250 दफा करती, अगर उसमें 1000 एलिमेंट होते तो ये 1000 दफा इटरेट करती, हर दफा एक एलिमेंट उठकर इसमें आ जाता, पहली दफा पहला एलिमेंट आता, दूसरी दफा दूसरा एलिमेंट आता, तीसरी दफा तीसरा एलिमेंट आता, इन सो ऑन। तो हमने इन 3 नंबर पर एग्जीक्यूट कर दिया। बाद में आप लोग ये प्ले कर सकते हैं कि नम लिस्ट को 5 तक ले जाएं और उसमें कोई 5 एलिमेंट डाल दें और उसके बाद 5 एलिमेंट का सम कैलकुलेट करके देखें, या आप इसको नम लिस्ट को टोटल से डिवाइड करके उसको इसका एवरेज कैलकुलेट करके देखें। अच्छा, मुझसे कांटेक्ट करना हो तो ये फीडबैक मौजूद है, जो लोग नए आए हैं तो चैट विंडो में लिंक्स मौजूद हैं जहां से आप ये नोटबुक डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अच्छा, और एक और अनाउंसमेंट उसके साथ मैं ये भी कर दूं कि इस बल्कि चलें अभी चलते रहते हैं जल्द लास्ट में मैं कर दूंगा, ईमेल एड्रेस है, अगर आपको फर्दर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पे ईमेल कर दीजिएगा। अब हमारे पास टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है मेरे पास और इस टेक्स्ट को यूज करते हुए मुझे कुछ काम करने हैं। आखिर में जाके हम ये देखेंगे कि किसी भी वर्ड में वॉवल्स कितने हैं कि हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं। एक चीज मैं रिपीट करूंगा, अभी जो सवाल पूछा था ये अप्लाई कहाँ करेंगे, अप्लाई करने के लिए मैंने आपको इसी के आखिर में एनएलटी के बुक का लिंक भेजा हुआ है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि किन किन जगहों पे लिंग्विस्टिक्स में ये चीजें अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्रामिंग में, जो मैंने एक्सरसाइज वाली बात की थी, फिजिकल एक्सरसाइज वाली बात की थी, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है, एक क्रिकेटर को जिम में जाके 10 तरह की एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई विकेट कीपर है तो उसको उन सारी एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि अगर कोई विकेट कीपर है तो उसे 4 किलोमीटर रनिंग से, रोजाना रनिंग से भी कोई लॉजिकली समझ में नहीं आता क्या फायदा होता है। लेकिन जिम में जाके स्पोर्ट्समैन एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि उनके मसल्स को एक्सरसाइज की आदत हो जाए और जब वो स्पोर्ट्स में उतरे तो वो उनके मसल्स हर तरह की चीजों के लिए तैयार हो। तो जो पहले लिंक में है, तो आपको प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि उससे आप बार बार तैयार हो जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के। उसके बाद फिर लिंग्विस्टिक्स की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो वो उसको आप सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले पेज पर जो कोड मंकी, टिंकर और आवर ऑफ कोड वाली जो एक्सरसाइजेज है वो बिल्कुल अनरिलेटेड कार्टून्स हैं, लेकिन एक विकेट कीपर के लिए या क्रिकेटर के लिए या फुटबॉलर के लिए जिम में जाके जो वजन उठाना भी एक अनरिलेटेड ही लगता है, लेकिन उसका उसे इनडायरेक्टली फायदा होता है। रनिंग अनरिलेटेड लगती है स्पोर्ट्समैन, अक्सर स्पोर्ट्समैन के लिए, लेकिन उसको इनडायरेक्टली फायदा होता है। तो वो इन एक्सरसाइजेस से इनडायरेक्टली फायदा होगा जब आप बड़ा कोड लिखने बैठेंगे। तो हमारे पास एंटर अवर्ड इनपुट ले सकते हैं, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। एक फंक्शन है इनपुट और उसमें हमने कह दिया कि एंटर अवर्ड। अब यहाँ पे मैं इनपुट उसे दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट दे दिया PAKISTAN पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान लिया तो उसने लेंथ फंक्शन कॉल किया उससे ये वर्ड, तो जो भी मैंने इनपुट दिया वो वेरिएबल वर्ड के अंदर चला गया।
अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता, कराची लिखता, तो वो इसमें वर्ड में कराची चला जाता। अगर मैं यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स लिखता तो वो लिंग्विस्टिक्स उसमें चला जाता। फॉर एग्जाम्पल हम ये देख देते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स लिखता हूँ तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू लिंग्विस्टिक्स चली गई, और इसके बाद एंटर किया तो लिंग्विस्टिक्स चली गई, और फंक्शन लेंथ ऑफ वर्ड लिंग्विस्टिक्स इज 11, इसके अंदर 11 कैरेक्टर्स मौजूद है। ठीक है, अच्छा लिंग्विस्टिक्स में मैं पाकिस्तान वाले एग्जाम्पल पे वापस आ जाता हूँ कि लिंग्विस्टिक्स में सिर्फ एक ही वॉवल मौजूद है जो 3 दफा रिपीट हो रहा है। पाकिस्तान में एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें 3 डिफरेंट वॉवल्स इस्तेमाल, ये 2 डिफरेंट वॉवल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो और उन ठीक है। तो आपने लेंथ एक फंक्शन है, ये फंक्शंस आपको याद रखने पड़ते हैं, और उसमें आपको इस वर्ड की लेंथ मिल गई। अब एक और फंक्शन है काउंट। फंक्शन काउंट क्या करता है, वर्ड एक ऑब्जेक्ट है, हमने जो वेरिएबल बनाया, वेरिएबल्स सिंपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जिसमें आप नंबर्स रख सकें या टेक्स्ट रख सकें, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जिसमें जिन्हें ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक पूरी फील्ड है, नॉर्मल कंप्यूटर साइंस की क्लासेस में हो सकता है 3 या 4 क्लासेस लगे जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पूरी थ्योरी समझाई जा सके, लेकिन जनरली नॉर्मल लाइफ में भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स की के साथ 2 चीजें अटैच होती हैं, एक उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। आपके पास जो लैपटॉप या मोबाइल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसकी लेंथ है कि उसकी स्क्रीन की लेंथ ये है, विड्थ है उसकी स्क्रीन की विड्थ ये है, उसकी आप मोटाई कह लें थिकनेस है कि इसकी थिकनेस ये है, वेट है वेट है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है। और दूसरी चीज होती है उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, आप उससे कॉल कर सकते हैं, आप उस पर डिस्प्ले कर सकते हैं, आप उससे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, ये उसके फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस मौजूद होते हैं और प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी वर्ड जो था ना वो एक ऑब्जेक्ट था, और उस ऑब्जेक्ट के का एक फंक्शन है काउंट, और ऑब्जेक्ट के फंक्शन काउंट में हम जो स्ट्रिंग देंगे यानी जो टेक्स्ट देंगे वो उसे काउंट कर लेगा। तो वर्ड के अंदर आपके पास पाकिस्तान मौजूद था, पाकिस्तान में ए कितने हैं, काउंट ऑफ ए इज 2। पाकिस्तान में वर्ड डॉट काउंट जब आपने ई पास किया, ई कितने हैं, तो ई उसमें 0 है। पाकिस्तान में आई कितने हैं, आई 1 है, तो 1 हो गया। इसी तरह से वर्ड डॉट काउंट ओ कितने हैं, तो 0 है, यू कितने हैं, तो यू 1 है। अगर इसी तरह से आप काउंट वर्ड काउंट डॉट पी लिखेंगे तो वो काउंट ऑफ पी जो है ना वो 1 आपको रिटर्न कर देगा। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट वर्ड था और उसका एक फंक्शन, ऑब्जेक्ट वर्ड क्यों, वर्ड के अंदर की स्ट्रिंग था, आप अगर स्क्रीन पर नजर आ रहा तो स्ट्रिंग या ये टेक्स्ट मौजूद है। तो टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मोबाइल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है कि उसकी थिकनेस है, उसका वेट है, उसकी लेंथ है, इसी तरह से वर्ड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के एक्शंस होते हैं जिसे फंक्शंस कहते हैं। तो उसमें से एक फंक्शन था काउंट, जिसके अंदर जो हम स्ट्रिंग या टेक्स्ट पास करेंगे उसको वो काउंट करके दे देगा, ये हमारे पास काउंट आ गया। तो अब सवाल ये था कि हम बनाने क्या जा रहे हैं, हम बनाने ये जा रहे हैं वी काउंट ऑल द वॉवल्स इन द स्ट्रिंग फॉर, इन द स्ट्रिंग यूजिंग फॉर स्ट्रक्चर। तो हमें सारे वॉवल्स को ऐड करना है। एक तरीका ये है कि हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लें, 2+0+1+0+0+5 ये कर दें, लेकिन इसे लूप के जरिए करने का तरीका थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने वॉवल्स की एक लिस्ट बना ली। वॉवल्स की लिस्ट क्या हो गई, ए ई आई ओ यू। अच्छा, आपकी मर्जी है कि टेक्स्ट को आप डबल कोट में लिखें या सिंगल कोट में लिखें, एक ही बात होती है, तो यहाँ पे वो सिंगल कोट में लिखा हुआ है। तो वॉवल्स की हमारे पास एक लिस्ट आ गई, वॉवल्स की लिस्ट हमारे पास आ गई, काउंट इज इक्वल टू 0। जस्ट अभी इस काउंट का तो फायदा नहीं, फॉर वी, वी एक वेरिएबल है इन वॉवल्स, तो वॉवल्स की लिस्ट को में पे हम आइट्रेट करेंगे और 1 by 1 एक वॉवल उठकर इस वी के अंदर चला जाएगा। तो पहली दफा वॉवल ए जाए, पहला एलिमेंट जाएगा ए, और फिर प्रिंट वी किया तो ए प्रिंट हो गया। दूसरी दफा दूसरा एलिमेंट जाएगा ई, हमने प्रिंट वी किया तो ई चला जाएगा। फिर तीसरी दफा हमने आई, आई जाएगा, आई प्रिंट हो गया, फिर ओ वी में जाएगा, ओ प्रिंट हो गया, फिर यू
फ्री में जाएगा और यू प्रिंट हो गया, तो वन बाय वन ये चीजें प्रिंट हो गई। एक चीज का ख्याल रखे जब आप खुद लिखने बैठेंगे कि इसके बाद वॉवल्स के बाद आपको ये कॉलन लाजमी लगाना है और कॉलन के बाद आपको ये चीज टैप करके देनी है, यहाँ से टैप करके एग्जीक्यूट करवाया, तो ये मैंने एग्जीक्यूट करवा दिया, ये वॉवल्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल कोई वाई को भी एज अ वॉवल गिनना चाहता है तो वो यहाँ पे वाई भी लिख दे एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमारे पास नाउ वी क्रिएट अ वेरिएबल वी काउंट टू हैव काउंट ऑफ वेरिएबल्स। अब हमें वेरिएबल काउंट, इनको काउंट भी करना था, तो काउंट करने के लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया वी काउंट जिसमें हम वॉवल्स का काउंट स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से लूप चलाई, वॉवल्स एक लिस्ट है उसका एलिमेंट वन बाय वन आता जाता है, हम क्या करेंगे इन दो चीजों को बार बार रिपीट करेंगे, उतनी बार रिपीट करेंगे जितने एलिमेंट्स वॉवल्स की लिस्ट में मौजूद है। काउंट ऑफ वी, वी में अगर ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, अगर ई है तो ई आ जाएगा, अगर ओ है तो ओ आ जाएगा, इज और फिर वर्ब डॉट काउंट। और अब यहाँ पे हम ए नहीं लिख रहे, बी नहीं लिख रहे, सी नहीं लिख रहे, हम यहाँ पे ये नहीं लिख रहे कि ये ए है, उसूलन तो हमें ये लिखना चाहिए था, तो इससे ए का काउंट आ जाता। अगर मैं यहाँ पे आई ई लिखूंगा तो ई का काउंट आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे यू लिखूंगा तो यू का काउंट आ जाएगा, लेकिन उसकी जगह हम जो लिख रहे हैं हमने वी लिख दिया, तो वेरिएबल वी में अगर ए है तो ए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, अगर वेरिएबल वी में, अगर इस वेरिएबल वी में अगर आई है तो ऑटोमेटिकली आई यहाँ पे आ जाएगा, अगर इस वेरिएबल वी में ओ है तो ओ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने वर्ब डॉट काउंट में जो ये काउंट वैल्यू आ रही है उसे वी काउंट में ऐड कर देंगे। तो इसे अगर हम वन बाय वन चलाएं तो लूप का जब पहला एलिमेंट चलेगा काउंट, तो पहली दफा क्या होगा, ए ई आई ओ में पहले ए आ गया इसमें, तो काउंट ऑफ ए इज, ए का काउंट कितना है टू, और ये वर्ब डॉट काउंट जब काउंट करेंगे तो ये रिटर्न टू करेगा, वी काउंट में जीरो प्लस टू इज टू हो गया। दूसरी दफा जब हम इसे आइट्रेशन को चलाएंगे तो ई आएगा, ई का वर्ड काउंट जीरो होता है तो वी काउंट जो टू हो गया था उसमें जीरो ऐड हो रहा है एंड सो ऑन। फिर आई आया, आई में वन, आई वन ऐड हुआ तो आई का वन ऐड हुआ, फिर जीरो, ओ आया, फिर यू आया, तो वन बाय वन आते गए उनका। जब वर्ड डॉट काउंट वी में वैल्यू ई थी तो उसने ई का काउंट ऐड किया, जब आई था तो आई का काउंट ऐड किया, जब ओ था तो ओ का काउंट ऐड किया, आखिर में वी काउंट में इन सब का सम हो गया, तो टू प्लस जीरो प्लस वन प्लस जीरो प्लस जीरो, तो आखिर में रिजल्ट क्या आ गया, काउंट ऑफ वॉवल्स इन वर्ड, वर्ड के अंदर वर्ड एक वेरिएबल है, वेरिएबल में हमने वैल्यू क्या दी थी, पाकिस्तान। वेरिएबल्स सिंपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जिस तरह से नंबर्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जिस तरह से ये टेक्स्ट वेरिएबल है जिसे स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं पाकिस्तान, और उसमें वी काउंट इज वी काउंट, तो आपके पास आपने ये काउंट कर लिया कि इसमें कितने वेरिएबल्स मौजूद हैं। इसमें फिर आप और कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप जिस तरह से मैंने कहा कि डबल ओ काउंट करना चाहते हैं तो वो आप डबल ओ भी काउंट कर लें। इसमें जिन लोगों ने फोनेटिक्स पढ़ी हुई है और वो ये कह सकते हैं, वो अगर स्टॉप्स कितने हैं वो स्टॉप्स काउंट करना चाहते हैं स्टॉप्स काउंट कर लें, और फ्रिकेटिव्स कितने हैं वो काउंट करना चाहते हैं वो काउंट कर लें। तो अब आपके पास एक चीज़ मिल गई है जिसको आप आसानी से यूज़ करके प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी आधे पौन घंटे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इसी तरह के इंटरैक्टिव चीज़ों के लिए आप learnpython.org पे जाएं तो आपको इंटरैक्टिवली मिल जाएगा, यानी आपको कोड वहीं पे लिखेंगे, सामने डिस्प्ले रिजल्ट होगा, अगर रिजल्ट सही है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, नहीं है तो आप ठीक कर लें। तो यहाँ से जाके आप पाइथन अपनी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि नए लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं और वैसे भी दो बातचीतें रिपीट कर लेनी चाहिए, प्रोग्रामिंग के दो पार्ट्स हैं, एक है लॉजिक और एक है सिंटैक्स। अभी जो पिछले आधे घंटे से मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादातर मैं सिंटैक्स, लॉजिक और सिंटैक्स दोनों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये फॉर है, फॉर का सिंटैक्स समझाने की कोशिश की है, लेकिन फॉर ही मुझे यूज़ करना था, इफ़ यूज़ क्यों नहीं किया, वाइल यूज़ क्यों नहीं किया, ये दो लाइनें ही क्यों लिखी, मैंने पाँच लाइनें क्यों नहीं लिखी,
इसके लिए फिर लॉजिक चाहिए होती है। तो सिंटेक्स समझना आसान होता है, लॉजिक डेवलप करना मुश्किल होता है। तो सिंटेक्स सीखने के लिए आप के पास ये वाला लिंक बहुत अच्छा है, लर्न पाइथन, जिससे आपको सिंटेक्स समझ में आ जाएगा कि कोड लिखते किस तरह से। जिस तरह से आप कोई नई लैंग्वेज सीखने जा रहे होते हैं, आप चाइनीज सीखने जा रहे हैं, जर्मन सीखने जा रहे हैं, तो आप उसका सिंटेक्स सीख रहे होते हैं कि इसमें पहले सब्जेक्ट आता है या पहले ऑब्जेक्ट आता है या पहले वर्ब आता है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट से पहले आता है या सब्जेक्ट के बाद, नाउन्स के बाद आता है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से ये सिंटेक्स सीखना होता है एक चीज। दूसरी चीज है लॉजिक। लॉजिक के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं। और जब तक आप लॉजिक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह है, जब तक आप अपनी लॉजिक बिल्ड नहीं करेंगे, हो सकता है थोड़े दिनों में आप बोर होकर ये प्रोग्रामिंग छोड़ दें। अगर आपने एक्सरसाइज अच्छी कर ली तो फिर आपको और मजा आने लगेगा फिजिकल कामों में। तो इसी तरह से अगर आपने प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज ज्यादा कर ली तो आपको और मजा आने लगेगा इन कामों में। तो ये एक था कुछ। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, लास्ट चीज है ये बिल्कुल प्रोग्रामिंग में। अभी तो मैंने आपको बिल्कुल बताया कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग करते किस तरह से। पाइथन में प्रोग्रामिंग करने का एक फायदा ये भी होता है, वरना सी लैंग्वेज बहुत मशहूर है प्रोग्रामिंग के लिए, जावा लैंग्वेज बहुत मशहूर है प्रोग्रामिंग के लिए, कि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी बनाई रखी हुई है। लाइब्रेरीज का मकसद ये होता है कि फंक्शंस, वॉवल काउंट का फंक्शन मुझे खुद नहीं बनाना पड़ता, वो बना हुआ रखा हुआ है। फ्रीक्वेंसीज काउंट करने का एक सबसे सिंपल तरीका ये हो सकता है कि मैं एक फाइल रीड करूं या इनपुट रीड करूं और उसमें वर्ड्स कितने, इट कितनी दफा आया है, टू कितनी दफा आया है, फॉर कितनी दफा आया है, पाकिस्तान कितनी दफा आया है, उसे काउंट करूं। इसके लिए मैं कोड खुद लिखूं। खुद लिखने के बजाय हमारे पास लाइब्रेरीज मौजूद हैं, उन लाइब्रेरीज को यूज करके हम काम कर सकते हैं। जहां हम फंसेंगे उसके बाद हम लिखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोग्रामिंग में ये भी होती है कि री इन्वेंटिंग द व्हील नहीं चाहिए। जो काम दूसरे लोग करके, अगर दूसरे लोगों ने व्हील बना के रखा हुआ है मार्केट में, तो आप उस व्हील को खरीदें और अपनी गाड़ी में लगा लें, बजाय इसके कि आप व्हील बनाना शुरू कर दें। मार्केट में अगर कोई चीज़ मिल रही है तो आप उसे उठाकर यूज कर लें अपनी चीज़ में, बजाय इसके, फॉर एग्जाम्पल मुझे कंप्यूटर माउस चाहिए, तो बजाय इसके कि मैं माउस डिज़ाइन करने बैठ जाऊँ, मैं मार्केट में जाके माउस लेकर आऊँ, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लूँ। तो जो चीज़ अवेलेबल है आप उसे यूज़ करें और फिर उन अवेलेबल चीज़ों को मिलाकर बड़ी चीज़ बनाएं। तो ये आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, स्पेसी और NLTK, नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट। इनकी मदद, इसमें नेचुरल लैंग्वेज में जितने मेजर काम हैं वो किए हुए मौजूद हैं। तो अक्सर ये होगा कि आपको कोड जो है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और उसमें दो चार लाइनें लिखनी पड़ेगी, यानी आपके पास 40 लाइन का कोड आपने कॉपी पेस्ट किया किसी जगह से और उसमें चार लाइनें ऐड की, तो आपके लिए एक नई एप्लीकेशन तैयार हो गई। तो एक लाइब्रेरी स्पेसी है और अभी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर ईमेल एड्रेस मैंने आपको शेयर कर लिया है, आपका शेयर है कर दिया है आपके साथ। एक चीज जाते जाते और शेयर कर दूंगा कि अगर आप को इन चीजों में मजीद हिस्सा लेना है तो आप इस गूगल फॉर्म पे जाकर रजिस्टर हो जाएं और फिर मैं आपको मजीद नई जो इन्विटेशंस है वो भेजता रहूंगा। तो एक लाइब्रेरी स्पेसी है जिसमें किसी ने बहुत सारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टास्क रखे हुए, किसी दूसरे की बनाए हुए कोड को इस्तेमाल करने के लिए आपको इम्पोर्ट स्पेसी लिख दिया, तो इसका मतलब है स्पेसी लाइब्रेरी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, गूगल कोलैब इस्तेमाल करने का फायदा यह है, जो शुरू में मैंने बताया था कि colab.research.google.com पे जाएं और इस पे अपना कोड लिखना शुरू कर दें। वरना नॉर्मली ये होता है आपको एनाकोंडा, जो शायद 900 MB के करीब का होता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है पैथन के लिए, उसके अंदर जुपिटर नोटबुक में लिखें, फिर स्पेसी की लाइब्रेरी उसमें आप इंस्टॉल करें, उसमें NLTK की लाइब्रेरी इंस्टॉल करें, उसके लिए थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है। इसमें कोलैब की अच्छी बात यह है कि उसमें आपको कुछ कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी, बस लिखना शुरू कर दें, और मेजर लाइब्रेरीज भी उन्होंने इंस्टॉल करके रखी हुई हैं। तो ये स्पेसी की लाइब्रेरीज के अंदर इंस्टॉल की भी रखी हुई, आपको जस्ट इम्पोर्ट किया और यूज़ करना सीखना है। इंग्लिश का एक सेंटेंस को हमें एनालाइज करना है, तो हमने मॉडल लोड कर लिया इंग्लिश कोर वेब स्मॉल। तो वेबसाइट्स का डाटा जमा किया था इन लोगों ने और उससे एक स्मॉल साइज का मॉडल
क्रिएट किया है। आप इसके लार्ज साइज का मॉडल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले आपको अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना होगा और फिर उसे लोड करना होगा। ये उन्होंने कोलैब में स्मॉल साइज वाला बिल्ट इन ही आता है, तो स्पेसी का फंक्शन लोड कॉल किया। तो फिर यही है कि स्पेसी को एज अ ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर में हर चीज को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, तो वो एक ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है और डॉट कॉल करें और एक उसे फंक्शन हम मैं लिखूं मोबाइल डॉट कॉल और उसके साथ ब्रैकेट्स के अंदर एक फोन नंबर पास करूं तो वो उसे कॉल कर देगा, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये हो रहा है। स्पेसी एक ऑब्जेक्ट है, डॉट लोड लिखा और उसके अंदर ये वाला मॉडल उसने लोड कर लिया अपने पास। अच्छा, उस मॉडल को लोड करने के बाद अब हम NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम उस पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हमने एक स्ट्रिंग पास किया यू फॉर यूनिकोड, ये अभी आप याद कर लें कि आपको इसे इसी तरह से लिखना होगा। अच्छा, आप इसे डबल कोड में भी लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं थी कि इसे सिंगल कोड में ही लिखें, इसीलिए मैं ये नहीं चेंज करता रन टाइम में, अच्छी खासी चलती हुई चीज़ खराब है। तो इस क्योंकि मैंने आपको डबल कोड में से स्टार्ट करवाया, जिसकी आप इसे डबल कोड में लिखें सिंगल कोड में लिखें बात एक ही होती है। तो आपने NLP अप्लाई की, NLP ऑब्जेक्ट अप्लाई किया इस स्ट्रिंग पर, द लिंग्विस्ट आर लर्निंग पाइथन, और एक ऑब्जेक्ट डॉग का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस डॉग के ऑब्जेक्ट के अंदर इस स्ट्रिंग की सारी लिंग्विस्टिक एनालिसिस जो कल हमने डिस्कस की थी वो सारी की सारी परफॉर्म उसमें, या उसमें से ज्यादातर उसमें परफॉर्म हो गई है और डॉग ऑब्जेक्ट्स में उसके रिजल्ट्स हैं। अच्छा, अब होगा क्या टोकनाइजेशन लैंग्वेज प्रोसेस में, होता क्या है, पहला काम ये होता है टोकनाइजेशन, इसके टोकन्स बनेंगे। तो पहला टोकन है दा, पहला वर्ड है दा, दूसरा वर्ड है लिंग्विस्ट्स, ये भी एक दूसरा टोकन, तीसरा टोकन आर, चौथा लर्निंग, पांचवा पाइथन और छठा फुल स्टॉप। तो 6 टोकन्स इसमें जनरेट हो गए। तो ये डॉक अगर है इसके अंदर 6 टोकन्स मौजूद हैं। अगर मैं लेंथ और ब्रैकेट के अंदर डॉक लिखकर प्रिंट करवाऊं तो वो 6 रिटर्न करेगा, यानी इसके अंदर 6 टोकन्स मौजूद हैं। तो पहला काम इसने किया कि टोकनाइजेशन खुद ब खुद कर दी। तो लाइब्रेरीज इस्तेमाल करने का फायदा ये होता है कि आपको खुद सोचना नहीं पड़ा कि मैं इसे टोकन्स में किस तरह से तोड़ूं, उसने ऑटोमेटिकली तोड़ दिया, उसने स्पेस पर और पंक्चुएशंस पर उसे ब्रेक कर दिया। तो 6 टोकन्स, तो इस डॉक के अंदर 6 टोकन्स अवेलेबल हैं। अगर आप प्रिंट डॉक करेंगे तो उसमें वो दा कॉमा लिंग्विस्ट कॉमा आर कॉमा लर्निंग कॉमा पाइथन कॉमा 0 रिटर्न करेगा। तो आपके पास एक लिस्ट आ गई डॉक जिसके अंदर 6 टोकन्स अवेलेबल है। अच्छा, ये टोकन्स ऑब्जेक्ट हैं और इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां पर हम इन टोकन्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डील कर रहा हूं। प्रॉपर्टीज वही वाली बात के मोबाइल में आप देखें तो एक मिनट, मोबाइल पर अगर आप लोग देखें तो मोबाइल की लेंथ वेट थिकनेस वेट ये उसकी प्रॉपर्टीज थी। तो इस टोकन की भी प्रॉपर्टीज होंगी। लिंग्विस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, लिंग्विस्टिक्स कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इस वर्ड्स की मॉर्फोलॉजी क्या है, क्या ये वर्ड सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, इस तरह ये वाली प्रॉपर्टीज होंगी, या ये स्टॉप वर्ड है ओपन क्लास वर्ड है या क्लोज क्लास वर्ड है, ये इस वर्ड का लेमा क्या है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो टोकन की कुछ प्रॉपर्टीज को हम प्रिंट करवा रहे हैं। टोकन डॉट टेक्स्ट से क्या प्रिंट हो जाएगा कि उस टोकन वो टोकन है क्या। जैसे मैं टोकन डॉट टेक्स्ट प्रिंट करवाऊंगा तो ये दा प्रिंट हो गया, सही है। फिर लेमा लिखा, लेमा क्या होता है रूट वर्ड, तो रूट टोकन डॉट लेमा अंडर स्कोर लिखा तो उसका लेमा प्रिंट हो जाएगा। तो दा का लेमा क्या है, दा ही है। पार्ट ऑफ स्पीच टोकन डॉट POS अंडर स्कोर लिखा तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या है, डिटरमाइनर DET फॉर डिटरमाइनर। कल जो बात हुई थी कि ये यूनिवर्सल टैक्स सेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये यूनिवर्सल टैक्स सेट की बात है। अच्छा, डिपेंडेंसी रिलेशन, डिपेंडेंसी रिलेशन क्या होता है कि हम सेंटेंस को सिंटैक्टिकली पार्स करें और बता दें कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो दा का डिपेंडेंसी रिलेशन क्या है, डिपेंडेंसी रिलेशन तो हमने प्रिंट क्या करवाया, टोकन डॉट डिपेंडेंसी अंडरस्कोर
और टोकन डॉट हेड अंडर और उसका हेड क्या था, ये दो चीजें हमने प्रिंट करवाई। रिजल्ट में मुझे क्या मिला, डिपेंडेंसी रिलेशन डीईटी। तो ये डिटरमाइनर है किस पे डिपेंडेंट है, यानी इसका पेरेंट सिंटैक्टिकली इसका पेरेंट क्या है या सिंटैक्टिकली इसका हेड क्या है, वो लिंग्विस्ट इसका हेड है। तो दा जो है वो लिंग्विस्ट का डिटरमाइनर है। इसी तरीके से फिर अब ये लूप चल रही है, तो लूप का फिर सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा, हमने ये लूप चलाई थी ना यहाँ पे, फॉर लूप चल रही है। पहली दफा इसमें दा आया, दूसरी दफा इसमें लिंग्विस्ट आया। तो दूसरी दफा इस टेक्स्ट जो है वो लिंग्विस्ट है, उसका लेमा एज इट इज प्रिंट हो गया, लेकिन लिंग्विस्ट का लेमा रूट वर्ड लिंग्विस्ट है, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, इसमें नहीं आ रहा। पार्ट ऑफ स्पीच लिंग्विस्ट की नाउन है, ये आपको ऑटोमेटिकली मिल गई। डिपेंडेंसी रिलेशन ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, लिंग्विस्ट आर लर्निंग पाइथन, तो इसमें ये एन का मतलब नॉमिनल सब्जेक्ट है, क्लॉजल सब्जेक्ट भी हो सकता है, नॉमिनल सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो ये नॉमिनल सब्जेक्ट है। इसका हेड क्या है, ये लर्निंग का सब्जेक्ट है, तो इस लिंग्विस्ट का हेड लर्निंग है क्योंकि ये लर्निंग का सब्जेक्ट है। इसी तरह से जब तीसरी दफा इटरेशन होगी तो ये आर टोकन आर आ जाएगा। डॉक एक लिस्ट है जिसमें दा लिंग्विस्ट आर लर्निंग पाइथन और कॉमा, ये छह एलिमेंट्स मौजूद हैं जिन्हें नॉर्मली आइटम्स कहते हैं। तो आर का लिए के लिए लेमा टोकन डॉट लेमा, तो लेमा तो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, इसका लेमा क्या बी प्रिंट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच ऑक्सिलरी प्रिंट हो गई, डिपेंडेंसी रिलेशन भी इसका ऑक्सिलरी है, यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज को यूज कर रहे हैं, और ऑक्सिलरी का हेड लर्निंग है। मुख्तलिफ स्कीम्स मुख्तलिफ डील कर रही होती हैं, यहाँ पर ऑक्सिलरी का हेड जो है वो लर्निंग है, एंड सो ऑन। तो हमने इस पूरे स्ट्रिंग आपके क्या कह लें, एक इंग्लिश का सेंटेंस इनपुट लिया और उसका लिंग्विस्टिक एनालिसिस कर लिया और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब इस इंफॉर्मेशन को लेकर आप ये देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स गिन सकते हैं कि इसमें टोटल सब्जेक्ट्स कितने आए, कोई वे नाउन है लर्न नाउन का, चाहे लर्निंग हो, चाहे वो लर्नड हो, चाहे वो लर्नस हो, लेमा राइट चाहे वो रोट की फॉर्म में लिखा हुआ हो, चाहे वो राइट की फॉर्म में लिखा हुआ हो, चाहे वो राइट्स या रिटन की फॉर्म में लिखा हुआ हो, उसके साथ कितने सब्जेक्ट यूज हुए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज हुए हैं, ये अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आपके पास ये वाली चीज ऑटोमेटिकली मौजूद है। तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस आप बड़े आराम से कर सकते हैं इन टूल्स की मौजूदगी में। आपने सिर्फ मुश्किल से 4-5 लाइन का टूल लिखा का कोड लिखा, और ये भी कॉपी पेस्ट है, यहाँ पे आप सेंटेंस चेंज करें आपको दूसरा सेंटेंस एनालाइज हो जाएगा, सेंटेंस चेंज करें तीसरा सेंटेंस एनालाइज हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से स्टैनफोर्ड एनएलपी एक लाइब्रेरी है जिसमें आप उर्दू और वो यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सबको डील कर रहा है वो, उसमें आप उर्दू भी डील कर सकते हैं। तो मेरे पास टाइम नहीं बचा था या मैंने कॉम्प्लेक्सिटी बचाने के लिए वो डील कर लिया, वरना स्टैनफोर्ड एनएलपी यूज करते हुए यही काम आप उर्दू के लिए भी कर सकते हैं। स्पेसी में 4-5 लैंग्वेजेस हैं, स्टैनफोर्ड की जो एनएलपी लाइब्रेरी है उसमें ज्यादा लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश अगर लिंग्विस्टिक्स करना चाहते हैं तो स्पेसी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप वैसे अगर उर्दू के लिए या दूसरी पाकिस्तानी लैंग्वेज में तो उर्दू की यूनिवर्सल डिपेंडेंसी मौजूद है, तो अगर उसके लिए काम करना चाहते हैं तो फिर स्टैनफोर्ड एनएलपी एक लाइब्रेरी है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जस्ट आइडिया था, तीन चीजें थी, प्रोग्रामिंग हर एक को आनी चाहिए, और अगर आप इंटरनेशनली लिंग्विस्ट से बात करें या तो आप पाकिस्तान में भी लिंग्विस्ट जो है प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एंडकॉन्ग से और स्केच इंजन से और इस तरह के जो टूल्स हैं उनसे नहीं हो पाते और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग आसान है, प्रोग्रामिंग की लॉजिक के लिए आप इन चीज़ों को करें, आवर ऑफ कोड और ये, अच्छा ये चीज़ें बिल्कुल आपको लगेगा कि बच्चों वाला काम है, लेकिन इसी से बेस स्ट्रांग होती है। जब तक हमको अलिब्बे पे नहीं आए, ABCD नहीं आए, हम ये टेक्स्ट नहीं रीड कर सकते। तो ABCD सीखना ज़रूर बच्चों वाली काम है, लेकिन उसके बगैर हम टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। तो ये कुछ बेसिक लॉजिक आपको करनी है। उसके बाद प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट लैंग्वेज एक आम शख्स के लिए, एक एवरेज शख्स के लिए, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना रहा तो कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए भी ये है कि वो पाइथन में प्रोग्रामिंग करे।
पाइथन में प्रोग्रामिंग का आसान तरीका यह है कि colab.research.google.com पे जाएं और यहाँ पर आप अपनी नोटबुक्स बनानी शुरू कर दें या नोटबुक बनी बनाई अपलोड करनी शुरू कर दें, क्योंकि इसमें आपको कोई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी और बस आप काम करते रहेंगे। और इसके अंदर डिफरेंट लिंक्स मौजूद हैं।